वैसे तो आपके भक्तों की कामनाओं को आप तक पहुंचाने का संवाहक बनता हूं मैं। वे अपनी बात मेरे कान में कहते हैं और मैं उनकी बातों को अपने मन में बोलकर आप तक पहुंचाता हूं, किंतु आज मैं अपनी प्रार्थना प्रत्यक्ष आपके कानों में कह देता हूं, क्योंकि आज प्रश्न संसार के अस्तित्व का है प्रभु, और ये दृष्टिता आज मैं पहली बार इसलिए कर रहा हूं प्रभु, ताकि आप ध्यान अवस्था में भी मेरी प्रार्थना सुन ले और संसार को महाविनाश से बचा ले।
आपके वास्तविक स्वरूप में नहीं ला पा रही माते, इसलिए त्याग दूंगी मैं शरीर को सदा सदा के लिए। मेरी पुत्री बनकर मेरे पास आ जाओ माँ, अपना बाल रूप प्रकट करो। जिस स्त्री को तुम अबला, असहाय और कठपुतली समझ रहे हो, उस स्त्री के रूप में माता पार्वती ने जन्म ले लिया है। ये तो अनर्थ हो गया। अब क्या होगा बहन लक्ष्मी? उनके सहाय महादेव हैं उनके साथ। गिरजा, गिरजा उठो, गिरजा तुम्हारा शिव तुम्हें पुकार रहा है, उठो। जाकर प्रतिशोध की ज्वाला से धधकता मेरा हृदय शांत हुआ। अब चलो दारुका, यहां का सारा काम समाप्त हो गया। अब हम दोनों पाताल लोक में जाकर स्वर्ण भंडार के बीच सुख से रहेंगे। उठो गिरजा।
गिरजा उठो, गिरजा उठो, गिरजा तुम्हारा शिव तुम्हारे पास खड़ा है, गिरजा शिव तुम्हारे पास खड़ा है, गिरजा चेतना में हो, चेतना में हो गिरजा, चेतना में हो गिरजा, उठो गिरजा, गिरजा उठो, गिरजा उठो, गिरजा उठो। यदि काली की मूर्छा नहीं टूटी तो संपूर्ण ब्रह्मांड को महादेव के क्रोध का सामना करना पड़ेगा और वो क्रोध इतना प्रचंड होगा कि उसकी पराकाष्ठा पर पहुंचते ही संभव है महादेव अपना तीसरा नेत्र खोल दे। और यदि ऐसा हुआ तो परिणाम महाविनाशकारी होगा। किंतु बहन लक्ष्मी, हमारे वश में तो कुछ भी नहीं, ना तो हम काली की मूर्छा को तोड़ सकते हैं और ना तो महादेव के तीसरे नेत्र को खोलने से रोक सकते हैं। आप सत्य कह रही है माता, हम सब विवश, हम केवल प्रतीक्षा और प्रार्थना ही कर सकते हैं। ब्रह्मनाथ और उसके भय में हमारा नृत्य संसार का सृजन भी करता है और संहार भी। अब या तो ये नृत्य तुम्हें मूर्छा से वापस लाएगा या मुझे भी शून्य की तरफ ले जाएगा। इसका अर्थ है कि विनाश टल गया। महादेव कहाँ चले गए? महादेव, महादेव। प्रभु तो अब चले गए महादेव तो ठीक है, मैं पुनः भूतल में जाकर ध्यान लगाऊंगा।
महादेव, महादेव, महादेव। महादेव अब भी बाल रूप में है। तो फिर अभी महादेव मेरे पास कैसे थे? काली के क्रोध को शांत करने के लिए, क्योंकि काली उनके अतिरिक्त और किसी से शांत नहीं होती, इसलिए बाल शिव का महादेव स्वरूप कुछ समय के लिए उनके अंतर से ही प्रकट हुआ था, और जब कार्य पूर्ण हो गया तब अंतर ध्यान हो गए। इसका अर्थ? बहन पार्वती, हम तीनों के पति अभी भी बाल रूप में ही हैं। अनुसुया, मैं अपनी पराजय स्वीकार करती हूं, स्वीकार करती हूं। आपको अपने सौम्य और शांत स्वरूप में देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। देवी कात्यानी और देवी काली के रूप में देखकर मैं बहुत पीड़ित हुई थी। अर्थात महादेव से मेरे विलग रहने की पीड़ा से आप मुझे मुक्ति दे देंगी, आप त्रिदेवियों को उनके पति वापस लौटा देंगी, हमारे पति वापस लौटा देंगी आप। परोपकार और सहानुभूति का अर्थ अपने प्राणों का अंत नहीं होता है देवी पार्वती। बाल त्रिदेव मेरे प्राणों से भी बढ़कर है। मैं सहर्ष अपने प्राण त्याग दूं, परंतु अपने पुत्रों का त्याग किसी भी मूल्य पर नहीं कर सकती।